नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज और आप सिनेस्फिक्स देख रहे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। वेल दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में भी अजीब मोड़ आ गया है, जहाँ पे ईशान अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसके संगीत के फंक्शन के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब ने पहले से बहुत सारी तैयारियाँ कर रखी हैं। इनफैक्ट ईशान जो है अपने अक्का साहब और अपने काका साहब को बताने की कोशिश भी करता है कि उसकी और सभी की शादी हो चुकी है, लेकिन वो बता नहीं पाता है क्योंकि उसके अक्का साहब उसकी शादी को लेकर इतने एक्साइटेड है कि वो कह रही है कि देखो ईशान, हमने ये तैयारियां की, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, इतने लोग आके इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तुम तैयार होकर नीचे आ जा। मतलब उसके बाद वो ना कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, वो किससे जाकर के बात कहे कि हाँ वो शादीशुदा है और वो सभी से शादी नहीं कर सकता है। इधर क्या होता है कि वो रीवा के कमरे में जाता है रीवा को बताने के लिए। तब तक रीवा भी बहुत एक्साइटेड रहती है, कहती है कि मिस्टर भोसले, मैं अब एक दिन बाद मिसेस भोसले बनने वाली हूँ, तो क्या ख्याल है आपका, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ईशान जो है बहुत कश्मकश में है, लगता है कि वो बता देगा सबको कि उसकी और शमी की शादी हो गई है।